कर रहे हैं। वो अब आप आजाद हैं। नया हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, सबके दिमाग के अंदर एक बात चल रही है कि भाई आखिर के नंबर वन कौन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोड़ी तो यही थी भाई, प्रतीक और रक्षिता। बट अब नंबर वन कौन है, कहा ये जरूर जा रहा है कि प्रतीक नंबर वन है, मगर मुझे नहीं लगता गाइस। अब देखो, इसका ये मतलब मत निकालना कि भाई मैं अभी इधर डोल गया, ऐसा नहीं है। जो सच्चा उसी के ऊपर बात होगी। बट हाँ, मेरा फेवरेट भाई अभी भी प्रतीक ही है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो यार, बिग बॉस से कनेक्शन खत्म कर दिए। बिग बॉस अब सारे कनेक्शंस को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बिग बॉस वाले मिल नहीं रहे मुझे, मैं कसम से बोल रहा हूँ, जिस दिन मिल गए ना मुझे, मैं इनके रैप्टे पर रैप्टे टेकने वाला हूँ। एक बात बताओ, पता है भाई, पहले निकाला उर्फी को, फिर निकाला रिधिमा और करण को, ये बोलकर ही कनेक्शन आउट होंगे। तो भाई मुझे ये बता दो, फिर वोटिंग कनेक्शन में क्यों नहीं ले रहे हैं? वोटिंग इंडिविजुअल मांग रहे हैं और वोट आउट कर रहे हैं भाई कनेक्शन को, ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? अगर तुम गेम अंदर चलाना चाह रहे हो भाई ड्यूओ वाली, तो भाई इंडिविजुअल वोटिंग क्यों करवा रहे हैं ये? अगर इंडिविजुअल वोटिंग करा रहे हैं तो एलिमिनेट भी तो इंडिविजुअल को ही करो। खैर, इस बार भाई नॉमिनेट हो चुके हैं भाई यहाँ पर अक्षरा एंड मिलिंद, और इधर से भाई प्रतीक एंड नेहा। बहुत सारे लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं कि भाई ये प्रतीक ने जंप मार दी एकदम से नेहा की तरफ, इस पर क्या कहना है आपका? अब देखो, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक कि भाई गलत है ये, ठीक है, और देश की भाई जनता भी यही कह रही है कि गलत है, तभी तो भाई 1.5 लाख वोटिंग के अंदर 70% लोगों का ये मानना है कि भाई ये प्रतीक का गलत स्टेप है, यानी कि 1 लाख लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रतीक ने गलत कदम उठाया ये। आई डोंट नो यार, कैसे जाऊं मैं यहां से, तेरी आते यहां पे, अब तो आजा तू कहीं से मिलने। यार अगर इमोशनल होकर अगर चीजों को देखूं तो हाँ, ये गलत स्टेप है, मैं कह रहा हूँ भाई ये गलत है। बट गाइस, इन दी एंड यही तो गेम है यार, यही तो गेम है। और देखो, हमने पिछले सीजन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट देखे हैं जो हमेशा एक बात बोलते हैं, यार मैं सोच कर आया था कि यार इमोशनली बढ़ूंगा। गेम के टाइम पर वो अपनी गेम खेलते थे और लोगों को एंटरटेन करते थे, और प्रतीक हमको बार बार यही बोलता रहता कि भाई ये गेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइफ में एक ही चांस मिलता है, मेरे लिए चांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलूं, मतलब मैं अभी आई डोंट नो यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, बड़ा हरामी हो। जहां से हम देख रहे हैं, यानी कि बिग बॉस घर के बाहर से, वहां से हम ये देख पा रहे हैं कि भाई जो नेहा वो गलत ही जा रही है और जो अक्षरा है वो बहुत सही जा रही है, मगर घर के अंदर क्या चल रहा होगा लोगों के दिमाग में, वो चल रहा है कि भाई वीकेंड के वार पर करण जोहर आकर क्या बोलता है। और अगर आप दोनों वीकेंड के वार उठाकर देख लो तो यहां पर करण जोहर अक्षरा से ज्यादा बात नहीं कर रहा, ना पहले वीकेंड के वार में करी ना इस वीकेंड के वार पर करी। उसके सारे मुद्दे कहां से शुरू होते हैं? शमिता एंड नेहा से। शायद यही रीजन है कि उसने अपने रिलेशन को थोड़ा सा नीचे अहमियत दी और गेम को ऊपर अहमियत देते हुए नेहा को सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस, जहां पर एक तरफ यार करण जोहर यहाँ पर सारी की सारी फुटेज नेहा भसीन और शमिता शेट्टी को दे रहा था और बाकी लड़कियों को नहीं दे रहा था, चाहे वो मूस हो चाहे वो अक्षरा हो, दोनों को ही बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। रह के जो बची दिव्या, उसकी तो वैसे ही इतनी लेनी देनी कर रखी थी। तो अंदर के जो घर के सदस्य है उनका माइंडसेट क्या बनेगा कि लड़कियों के अंदर सबसे स्ट्रांग कौन है? और यार बिग बॉस के कंटेस्टेंट हमेशा एनालाइज करते हैं वीकेंड के वार पर जो उनको फीडबैक दिए जाते हैं। अब उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जाए तो प्रतीक को एक चीज क्लियर अंदर कि अक्षरा इज नॉट द स्ट्रांग कंटेस्टेंट और ना ही मूस। यही रीजन था कि वो बार बार बोलता रहा कि यार मेरे लिए गेम ऊपर है, गेम ऊपर है, गेम ऊपर है, क्योंकि रह जाके 6 हफ्ते बचे हुए यहाँ पर और 6 हफ्ते में गाड़ी लगानी आपको नैया पार। रह जाके अगर बची बात लड़कों की, तो लड़कों में भी सबसे ज्यादा फुटेज करण जोहर ने किसको दिया? राकेश। राकेश आप बताइए। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रतीक भी अपने आप को लेकर कंफ्यूज मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं आ रहा अभी कि बाहर की दुनिया के अंदर उसके लिए लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो यही मान के चल रहा है कि यार अक्षरा भी वीकेस्ट कंटेस्टेंट घर के अंदर और वो खुद भी वीकेस्ट कंटेस्टेंट है, क्योंकि वीकेंड के वार पर उनको फुटेज ही नहीं मिली। हालांकि सबसे ज्यादा मुद्दे इन लोगों ने दिए, मगर इन्हीं के मुद्दों पर कभी बात नहीं हुई। अब ये बात पर तो यार आप भी सहमति जताते हो कि बेवजह शमिता और भाई राकेश को फुटेज मिली है, जबकि उनका इतना कोई लेना देना था ही नहीं। और गाइस यही तो रीजन है यार कि अक्षरा को छोड़ने के बाद भी वो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है यार। बट ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर प्रतीक और अक्षरा का एक मुद्दा ढंग से डिस्कस किया होता ना पिछले 2 हफ्तों के अंदर करण जोहर के, तो भाई प्रतीक अक्षरा को यहाँ ना छोड़ता। प्रतीक अभी बस यही कंफ्यूज है कि अक्षरा भी वीकेस्ट कंटेस्टेंट में काउंट हो रही है और मैं खुद भी वीकेस्ट कंटेस्टेंट के अंदर काउंट हो रहा हूँ। सारी की सारी फुटेज लेके कौन जा रहा है यार? शमिता, राकेश, नेहा भसीन, दिव्या,
अगर आप भी ऐसे कंटेस्टेंट सोचोगे गाइस तो आपको पता चलेगा कि भाई अंदर घर के लोगों का माइंडसेट क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या सोच क्या रहा है वो यहाँ पर, क्योंकि करण जौहर किसको फुटेज ज्यादा दे रहा है, नेहा को। तो शायद यहाँ पे प्रतीक को यही लग रहा है कि बाहर की दुनिया के अंदर नेहा का सिक्का अक्षरा के सिक्के से ऊपर चल रहा है। और प्रतीक ये तो कह ही रहा है कि भाई मेरे लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने गेम को अहमियत देते हुए नेहा को सिलेक्ट कर लिया। अभी तुम खुद बता दो, अभी तो इनका माइंडसेट और खराब होने वाला है, चाहे तुम प्रतीक को ले लो, चाहे तुम नेहा को ले लो, चाहे तुम अक्षरा को ले लो, चाहे जिस मर्जी को ले लो, क्योंकि अब जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो है यार प्रतीक एंड नेहा एंड मिलिंद दावा एंड अक्षरा और साथ में शमिता एंड राकेश। एंड गेस व्हाट, भाई राकेश और शमिता को ऑडियंस वोट बता के उनको सेव कर दिया गया। अब तुम खुद बता दो भाई घर के सदस्य क्या सोचने वाले हैं कि भाई बाहर की दुनिया के अंदर शमिता और राकेश के चाहने वाले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, पर सच्चाई तो ये है कि वो मिनिमम गारंटी लेकर घर के अंदर आए हुए हैं, तो बिग बॉस को कैसे तैसे करके भाई उनको सेव करना ही है। बट इसका इम्पैक्ट घर वालों के माइंड सेट के ऊपर एक अलग ही पड़ रहा है, उनको यही लग रहा है कि भाई वो वीकेस्ट कंटेस्टेंट है और यहाँ पे शमिता एंड राकेश स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है। और देखो सिंपल सी बात है यार, कोई प्रतीक बाहर से तो कनेक्शन बनाकर नहीं आया था ना, बिग बॉस घर के अंदर आया तो भाई लड़कियों को दे दिया कि भाई तुम कनेक्शन चूज करो, लड़कियों ने कर लिया। भाई इस बार लड़कों को दिया तो यार उनका भी तो पूरा राइट बनता ना यार अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने का। अगर प्रतीक को, अगर वो करण जौहर की जजमेंट के ऊपर जाते हुए ये चीज एनालाइज कर रहा है कि भाई नेहा को ज्यादा फुटेज मिल रही है, अक्षरा को नहीं, अक्षरा से तो करण बात ही नहीं कर रहा भाई, पता नहीं क्यों नहीं बात करता, नेहा से ज्यादा बात कर रहा भाई, तो मे बी गेम को इंपॉर्टेंस देते हुए यहाँ पे उसने नेहा को सिलेक्ट कर लिया हो। बट गाइस एक बात कह रहा हूँ, प्रतीक के इस मूव ने ना भाई, इस मूव ने प्रतीक की गेम शायद थोड़ी डाउन कर दी यहाँ पर। हालांकि प्रतीक बहुत ज्यादा रो रहा है अभी और बहुत ज्यादा पछता भी रहा है अंदर से कि उसने क्या कर दिया। बट मैं एक बात कह सकता हूँ भाई यहाँ पर कि सारी की सारी फुटेज यहाँ पर निकाल कर ले गए प्रतीक और अक्षरा, और कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर गेम जो डाउन कर दी है, निशांत ही गेम डाउन कर दी भाई, निशांत और मूस की। अभी सबके सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं, मिलिंद एंड अक्षरा एंड प्रतीक एंड नेहा, इन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है बस। और भाई अब क्योंकि ये सारे की सारी फुटेज ये लोग निकाल के ले जा रहे हैं तो दिव्या का तो चुल मचनी है ना, मतलब एक इतना तगड़ा मोमेंट था यार कि मतलब इमोशनल मोमेंट, प्रतीक रो रहा है वहां पे, नेहा रो रही है और भाई मिलिंद गाबा रो रहा है यहाँ पे, जिशान भी वहां पे लेटा हुआ, जिशान की हालत कल परसों खराब हो गई थी रात को, और अक्षरा भी वहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, मतलब और एक इतना इमोशनल मोमेंट है भाई, सब रो रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, और यहाँ से दिव्या आ रही है तानेबाज, तानेबाज दिव्या ताना मार के जा रही है भाई। तो देखो प्रतीक ने गेम खेली बट यार उसके लिए इमोशन और फीलिंग्स भी वैल्यू करते ही है, यहाँ पर ये बंदी तो भाई क्लियर कट गेम ही खेल रही है बस, इसके लिए इमोशनल फीलिंग कुछ नहीं है, बाढ़ पे गई दुनियादारी, बस गेम ही खेल रही है, एक मौका ना छोड़ू कहीं पर किसी को भी ताने मार देगा, मतलब यार हद दो मेरे, वो देख के तो मेरे को भी ये लग रहा था बहन तू पागल तो नहीं होगी। सो गाइस अभी के लिए बस इतना यार, देखो प्रतीक और अक्षरा कनेक्शन ही तो टूटा यार, दोस्ती तो नहीं टूटी, दोस्ती तो अभी भी मुझे और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बिग बॉस वाले कब अपनी टास्क से गेम घुमा देते हैं ना भाई, वो कोई जज नहीं कर सकता, वो कोई डिकोड भी नहीं कर सकता, अंदर उनकी एक खुराफाती चल रही है, मे भी दो दिन बाद भाई कोई ऐसी टास्क घुमा दे कि भाई को इंडिविजुअली निकल जाए। ये शमिता और राकेश को कौन सी जनता वोट कर रही है भाई, इनको ऑडियंस वोटिंग के अंदर पहले सेव कर दिया, मतलब नॉमिनेट हुए उसके बाद बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया भाई ये ऑडियंस वोटिंग में सेव हो गए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर रिजर्वेशन से नहीं है, प्रॉब्लम है भाई कुछ परफॉर्म तो करो यार, कुछ एंटरटेन तो करो हमें, जिससे हमको भी लगे कि हाँ भाई जाए जाए बंदे, मतलब ये तो नाजायज लोगों को अंदर घुसा दिया यार इन लोगों ने। तो अभी के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्या जा क्या रहा तू बड़ा सब्सक्राइब करने, मेरे को समझ में नहीं आता 70% से ज्यादा लोग आज भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील डाली भाई, 3 लाख से ज्यादा व्यूज पहुंच गए उसके ऊपर और 15,000 के आसपास उसके ऊपर लाइक है, मगर फॉलोवर्स घंटा बाबा जी का ठुल्लू बड़े ही नहीं भाई, क्या करूं ऐसा मैं, मतलब ये तो वही बात हो जाती है ना, जब इस दुनिया से लोग चले जाते हैं ना भाई, उनके जाने के बाद लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते हैं, इसलिए मैंने बायो पे जाके लिखा हुआ है कुछ अपने इंस्टाग्राम में, जाके पढ़ लेना। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखो, उसको दूंगी और अपने दोस्त को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती।